हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मंत्रम में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप किस तरह से बहुत ही आसानी से ऑडेसिटी ऑडियो सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करने के बाद यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगेन हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले हमें ओपन करना होगा इंटरनेट ब्राउजर। इंटरनेट ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर गूगल सर्च में टाइप करना है ऑडेसिटी। एंटर करेंगे। एंटर करते ही सबसे पहले ऑन द टॉप आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑडेसिटी की जो डिक्शनरी वर्ड है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। इसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आता है audacitytheme.org। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहां पर आपके पास एक चेकबॉक्स का ऑप्शन आता है आई एम ह्यूमन। आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने आप को वेरीफाई करने के लिए यहां पर जो इमेज आपको सिलेक्ट करने के लिए बोलता है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है। ईच इमेज कंटेनिंग एन अम्ब्रेला। सो हमें वो सारी इमेज यहां पर सिलेक्ट करनी है जिसमें अम्ब्रेला आपको शो हो रहा है। सो ये सारी इमेज हमने यहां पर सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पर। अपने आपको जैसे ही आप वेरीफाई कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा इस एप्लीकेशन का। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर नीचे डाउनलोड ऑडेसिटी पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को अपने विंडोज मैक और लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो लेटेस्ट वर्जन अभी रिलीज हुआ है जो यहाँ पर अवेलेबल है डाउनलोड के लिए वह है 2.4.1, जो रिलीज हुआ है 21 मई 2020 को। सो फटाफट से क्लिक करेंगे डाउनलोड ऑडेसिटी पर और इसको अपने सिस्टम के लिए डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड ऑडेसिटी पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ चुका है ऑडेसिटी इज फ्री सॉफ्टवेयर एंड डेवलप्ड बाय वॉलंटियर। आपके पास यहाँ पर तीन ऑप्शन आते हैं, ऑडेसिटी फॉर विंडोज, ऑडेसिटी फॉर मैक ओएस, ऑडेसिटी फॉर जीएनयू और लिनक्स। सो क्लिक करेंगे ऑडेसिटी फॉर विंडोज पर। सो यहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन अभी अवेलेबल है डाउनलोड के लिए वो है 2.4.1 और इसको डाउनलोड करने के लिए आपको जस्ट इसको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपके पास ऑप्शन आता है। सो हम फर्स्ट वाला ऑप्शन को चूज करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। नीचे आपके पास ऑप्शन आता है डाउनलोड्स का, सिग्नेचर, इसका फाइल साइज आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, लेटेस्ट वर्जन और एंटीवायरस। सो सबसे पहले वाला ऑप्शन विंडोज पर हम क्लिक करेंगे। सो इसको ओपन करने के लिए आपको जस्ट यहां पर क्लिक करना है और क्लिक करना है शो इन फोल्डर पर। सो इन फोल्डर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑडेसिटी का जो सेटअप है वो हमारे सिस्टम में यहां पर इंस्टॉल हो चुका है। फटाफट से इसको ओपन करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। यहां से आपको अपनी जो लैंग्वेज है वो चूज कर लेनी है। सो हम यहां पर इंग्लिश डिफॉल्ट सेलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद क्लिक करेंगे ओके पर। इसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अगेन। इसके बाद यहां से आप इसकी जो डिफॉल्ट लोकेशन है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर सी ड्राइव की जगह पर डी ड्राइव या ई ड्राइव में सेव हो, सो फिलहाल हम इसको डिफॉल्ट लोकेशन में सेव करेंगे। इसके बाद अगेन क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर, इंस्टॉल। सो ऑडेसिटी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर, फिनिश्ड। ओके पर क्लिक करेंगे। सॉफ्टवेयर जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में आपके सामने ओपन हो जाएगा और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहां पर आ जाएगा। ऑन द टॉप लेफ्ट साइड में सबसे पहला ऑप्शन यहां पर आता है फाइल का। यहां से आप न्यू फाइल यहां पर इंपोर्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, रिसेंट फाइल यहां पर चेक कर सकते हैं, ऑडेसिटी को आप यहां से क्लोज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट यहां पर अपने सेव कर सकते हैं, यहां से फाइल्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं।
इसी तरह से यहाँ पर आपको मेन्यू बार में बहुत सारे अदर ऑप्शन मिल जाएंगे। एडिट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सेलेक्ट का, व्यू का, ट्रांसपोर्ट का, ट्रैक्स का, जनरेट का, इफेक्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एनालाइज का, टूल्स का और हेल्प का। सो मेन्यू बार में जो भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनको आप अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग टाइम टाइम पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है यहाँ पर पॉज का, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है प्ले का। यहाँ से आप जो भी साउंड आप रिकॉर्ड करते हैं या इम्पोर्ट करते हैं इसको प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है स्टॉप का, यहाँ से आप उस साउंड को स्टॉप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है स्किप टू स्टार्ट, और अगर आपको अपने फाइल के एंड में जाना हो तो यहाँ पर इस बटन से आप फाइल के एंड में जा सकते हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन रेड कलर में यहाँ पर आपके पास आता है रिकॉर्ड का। सो अपने पीसी से माइक को कनेक्ट करने के बाद आप डायरेक्टली अपने वॉइस को यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको यहाँ पर एनालाइज भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड बटन के राइट साइड में आपको कुछ टूल्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर सिलेक्शन टूल, जूम टूल्स, एनवेलप टूल, टाइम शिफ्ट टूल, ड्रॉ टूल और मल्टी टूल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो ये सारे टूल्स को आप धीरे धीरे समझकर यूज कर सकते हैं। सो हम फटाफट से अपनी एक फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं और चेक करते हैं उसमें आपको किस तरह का साउंड देखने को मिल जाता है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपके क्वेरीज का, आपके क्वेश्चन का आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।